में जाम लगना भी शुरू हो गया है, तो कई ऐसे चौक पॉइंट्स हैं जहाँ पे लगातार जाम लग रही है, तो उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा किया गया है। और हमने कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ढेरियाँ भी लगी हुई हैं और इसकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है, जैसे पुलिया नंबर 6 है, अभी हम फिलहाल इस पर पल्टन बाजार में खड़े हैं, और आगे एक चंद्र नगर वाला स्ट्रेच है जहाँ पे बहुत ढेरियाँ भी लगी हुई हैं और पार्किंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्ट्रेचेस को जो है हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं और फिलहाल हम लोग वार्निंग इशू कर रहे हैं, और जब त्यौहार का सीजन दो दिन में शुरू होगा दोबारा हम आके निरीक्षण करेंगे और जो कार्रवाई होगी हम लोग। सर कोविड को लेकर भी, क्योंकि अब भीड़ भाड़ बढ़ेगी, त्यौहार का सीजन है, उसको लेकर भी स्पेशल रूप दिए जा रहे हैं? तो देखिए कोविड के जो निर्देश हैं शासन के, इसको 20 जारी हैं और इसका हम सबको पालन करना चाहिए। काफ़ी समय से जो है, सबसे सेकेंड वेव के समय से ही लगातार 120 शासन के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, और अभी फिलहाल कुछ स्ट्रेचेस में जैसे दुकानदार थे और बिना मास्क के जो है कर रहे थे, और हमने इनको वार्निंग अभी फिलहाल दिया है, और ऐसे जैसे हमने मसूरी में भी किया था कुछ दुकान हमने चिन्हित किए थे, तो जब दूसरी बार हम लोग आके देखेंगे तो इस बार फिर वार्निंग नहीं थी, कोई सीधा सीधा चला। देखिए ये पुलिस और प्रशासन का कंबाइंड निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं आज, और अभी जो है फेस्टिवल सीज़न भी शुरू हो गया है, और फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ जाम की स्थिति भी जो है ज़्यादा होती जा रही है, तो इसी के दृष्टिगत जो है मैंने और एसएसपी साहब ने आज डिसाइड किया हम लोग ऐसे स्ट्रेचेस का निरीक्षण करेंगे जहाँ पे जाम का भी प्रॉब्लम है और पार्किंग भी जो है इरेगुलर है। तो सुबह हम लोगों ने पुलिया नंबर 6 विजिट किया था, फिर पल्टन बाज़ार भी होके आए, और कोविड रेगुलेशंस की भी हिदायत दी हम लोगों ने पालन करने की। अभी हम ये वाला जो स्ट्रेच है चंदन नगर और कलेक्ट्रेट के आसपास, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर पार्किंग है और रोड पे भी जो है स्ट्रक्चर्स बिल्कुल खड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हमेशा बाधित रहती है और जनता भी काफ़ी परेशान रहती है। तो अभी फ़िलहाल हम सबको वार्न कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे हैं कि इसको दोहराया ना जाए, ये निरीक्षण जारी रहेगा और फेस्टिव सीज़न के दौरान भी हम लोग इस स्ट्रेचेस का निरीक्षण करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेचेस का भी निरीक्षण करेंगे, और उस समय फिर हम लोग सब पे फिर उचित कार्रवाई जो है करेंगे। अभी फ़िलहाल हम वार्न कर रहे हैं सबको और हिदायत दे रहे हैं। देखिए बेसिकली त्यौहार का सीज़न भी है और लगातार शिकायतें ऐसी मिलती आ रही हैं कि रोड्स पर लोग ठेलियाँ लगा लेते हैं, अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिस कारण से ट्रैफिक का भी कंजेशन होता है और जाम की भी सिचुएशन आती है। तो आज मेरे द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक स्थलीय निरीक्षण रखा गया, जिसमें कि हम एनक्रोचमेंट की ड्राइव चल रहे हैं और नो पार्किंग में अगर कोई वाहन खड़े हैं तो उनको हिदायतें भी दे रहे हैं, और अगर हिदायतों के बाद भी नहीं मानते तो फिर प्यूनिटिव एक्शन हम उनके ऊपर लेंगे। जितना उनका दुकान का एक्सटेंड है वहीं पर अपना सामान लगाएं, कोई भी अननेसेसरी एनक्रोचमेंट ना किया जाए, क्योंकि उससे जनता को असहूलियत होती है। अगर फिर भी ये होता है तो हम चालान की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो ठेलियाँ हैं वो भी रोड पर लग जाती हैं, जिसके कारण अनावश्यक ट्रैफिक जाम होता है, तो उन ठेलियों को भी हमारे द्वारा हिदायत और चालान की कार्रवाई उन पर भी की जा रही है।